नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज हम चर्चा करेंगे एक दोष पितृदोष के बारे में। ये कब बनता है, कुंडली में किस घर में सबसे अधिक प्रभावी होता है, इसके क्या नुकसान हैं, इस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक शास्त्रों का एक पुराना मत है कि जब हमारे पितृ, हमारे वो बुजुर्ग जो अब नहीं रहे, किसी कारण से भी अतृप्त हैं और हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, हमसे शांति की उम्मीद करते हैं, तो ये पितृदोष बनता है। तो बुजुर्गों के आशीर्वाद नहीं मिलने को ही पितृदोष कहा जाता है। इससे जीवन में काफी कठिनाइयां और दिक्कतें देखने में आती। ज्योतिष का तरीका यह है कि जब सूर्य और राहु दोनों एक साथ कुंडली में कहीं भी इकट्ठे होंगे तो इसे पितृदोष कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण योग भी कहते हैं। ये दो तरह से बनता है। सूर्य से भी बनता है क्योंकि सूर्य पिता को संबंध को दिखाते हैं, और मंगल से भी बनता है क्योंकि मंगल रक्त के संबंध को दिखाता है। तो जो सूर्य से बनता है उसे सूर्य पितृ दोष कहते हैं, और जो मंगल से बनता है उसे मंगल पितृ दोष कहते हैं। पूरी कुंडली में ये कहीं भी किसी भी घर में होंगे तो प्रभावी होंगे, नुकसान देंगे, कष्ट देंगे, पर विशेष तौर पर चौथे घर, पांचवें घर, नौवें घर और दसवें घर में होंगे तो अत्यधिक को प्रभाव दिखाएंगे। अगर इन्हीं राशियों में, इन्हीं भावों में तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि में सूर्य और राहु की युति है तो ये प्रभाव मैक्सिमम खराब होगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर चौथे घर, पांचवें घर, दसवें घर और नौवें घर में सूर्य राहु या मंगल राहु की युति है तो यह अत्यधिक को प्रभाव देगा। इन्हीं घरों में अगर तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि है तो यह प्रभाव और अधिक खराब होगा। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं, कैसे समझें, क्या करें? एक पौराणिक मत यह है कि अगर हम अन्नदान में देते हैं, अमावस वाले दिन अन्नदान में देते हैं, अमावस वाले दिन खीर दान में देते हैं, खीर का तर्पण करके उपला कर लीजिए, उसको गर्म कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसमें खीर का भोग लगाइए, तो इससे और जल का तर्पण, तो इससे भी हम पितृदोष की शांति कर सकते हैं। गाय को गेहूं की रोटी गुड़ के साथ देने से भी पितृदोष शांत होता है। ये दान हो गया। अगर कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट सही है तो माणिक पहनना चाहिए, इससे भी पितृदोष शांत होता है, सूर्य को बल मिलता है। एक तरीका यह है कि अगर हम सूर्य की तरफ मुंह करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी हमें पितृदोष से शांति मिलती है। अगर हम पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो इससे भी हमें पितृदोष में शांति मिलती है। अभी हम दो अलग कुंडलियों पर चर्चा करके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पितृदोष कितना प्रभावी होता है और कैसे काम करता है। दोनों ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की कुंडलियां हैं, एक है श्री मोरारजी देसाई और दूसरे श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह इनकी कुंडली में ये दोष बने और उसके क्या कुप्रभाव इन्हें देखने को मिले। अभी आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं जिसमें मैंने चार घरों में, चौथे घर, पांचवें घर, नौवें घर और दसवें घर में मंगल राहु को दिखाया है। यह पितृदोष है। किसी भी जगह पर होने पर पितृदोष हो सकता है, पर इन चार घरों में विशेष तौर पर अत्यधिक कष्ट देने वाला बनता है। यह मंगल पितृदोष है। इसी को अगर हम देखेंगे तो यह सूर्य पितृदोष की कुंडली है जिसमें इन चारों घरों में सूर्य और राहु एक साथ हैं, पर विशेष तौर पर इन्हीं घरों में, इसमें, इसमें, इसमें या इसमें 10 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि हो तो यह प्रभाव अत्यधिक खराब होता है। अब हम देखेंगे एक कुंडली। ये हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की कुंडली है। अगर आप देखेंगे तो इनके नौवें स्थान पर सूर्य और राहु है जिसे पितृदोष कहते हैं। इनके पिता ने अवसाद में, टेंशन में या डिप्रेशन में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तब ये छोटे ही थे। ये एक और हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली है
अगर आप देखेंगे तो इनकी कुंडली में भी मंगल और राहु का पितृदोष है। जब श्री शास्त्री जी सिर्फ 1.5 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पितृदोष कैसे बनता है और कब अधिक प्रभावी होता है बात समझ में आ गई होगी। हम अगला वीडियो काल सर्प दोष के ऊपर बनाएंगे, जरूर देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।